हेलो पीपल दिस इज योर चैनल सी ए टी वी एंड इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस सी हमने म्यूचुअल फंड के एटेस टैच जो कंसेप्ट थे अराउंड थर्टी टू फोर्टी मिनट्स में हमने कॉन्सेप्ट्स ओवर कर लिए थे उसके लिए एक वीडियो तो अपलोड uh, कर ही दिया था एंड नाउ अब जब हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करने वाले सी जिसको क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है वो वो अपना तीस चालीस मिनट उधर से सेव कर सकता है बट इधर ऐसा है इधर क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे मतलब क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आता रहेगा वो कॉन्सेप्ट इधर चलते रहेंगे ठीक है उस पर्टिकुलर कन्सेप्ट की इधर बात होगी राइट तो मानना तो ये है कि आप बेटर है कि आप तीस से चालीस मिनट उधर आप दे दीजिए ठीक थी, है और एक बार एटर स्टेज कंसेप्ट पढ़ने में आ जाएंगे एंड देन फिर हम जो है साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी करेंगे ठीक है सो सबसे पहले अब जब अब जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ठीक है ये स्टडी मटेरियल हम कर रहे हैं देन स्टडी मटेरियल के बाद हम प्रैक्टिस हैंडल करेंगे सी स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस अप टू नवंबर सेवनटीन है तो नवंबर सेवनटीन के बाद जो है उसके लिए हमको पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपाइलर की तरफ जाना पड़ेगा टेलीग्राम में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कंपाइलर के रिस्पेक्ट में वेरियस फैकल्टीज के वेरियस कंपाइलर अवेलेबल है तो उसको ही देखते हुए कुछ कुछ कंपाइलर uh, में से कंपाइल करते हुए म्यूचुअल फंड के कुछ सेट ऑफ़ क्वेश्चन कंपाइल करे हुए हैं वो वाले क्वेश्चन सर हम करेंगे ठीक है सो हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं तो पहला इलास्ट्रेशन है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन दी हमको क्या डिटरमाइन करना है एन डिटरमाइन करना है ठीक है और ऑफर रेगुलर इनकम स्कीम और ये जो यह है ये सारी चीज़ें देख रखी ठीक है एन में क्या होता है अगर हम एन को देखें एन ए वी ऑफ म्यूचुअल फंड फोर्थ कॉन्सेप्ट देख रखा है तो चलो हम फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं एन में सिर्फ बात ये करके रखिए कि म्यूचुअल फंड जो प्रिपेयर होता है वो कॉस्ट बेसिस पे नहीं होता वो मार्क टू मार्केट बेसिस पे होता है ठीक है मतलब फेयर वैल्यू बेसिस पे होता है एन क्या होता है नेट असेट वैल्यू ठीक है जहाँ पे असेट की मार्केट वैल्यू ली जाती है माइनस लाइबिलिटी करते हैं ठीक है और एन पर यूनिट होती है तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट करते हैं ठीक है तो तोट तो या तो अपन असेट माइनस लाइबिलिटी लिख दो या तो हम नेट असेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट कर दें ठीक है ये जो एन है हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम टू को डे टू डे एन ए वी करनी पड़ती है उसे भी गाइडलाइन ये बोलता है कि हमें एन डिस्क्लोज करनी चाहिए ठीक है और अब असेट की बात करें तो रिटर्न से कैलकुलेशन में बाद में ये लिखा होता है असेट के कंपोनेंट असेट के कंपोनेंट्स में क्या होता है मतलब म्यूचुअल फंड के लिए असेट्स क्या होती है एक तो उन्होंने जो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करा है वो और एक उनका होता है कैश एंड बैंक बैलेंस तो हमें सिक्योरिटीज़ पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज़ का बैलेंस निकालना पड़ेगा साथ ही साथ हमको कैश एंड बैंक बैलेंस निकालना पड़ेगा और इस तरीके से हमारा जो है एन कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है तो बिना किसी तरीके अब हम जो है एन ए वी के कंसेप्ट समझ लिए अब तो हम एन को कैलकुलेट करना सीखते हैं सो so, सबसे पहले लिस्टेड शेयर एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड तो लिस्टेड शेयर जो है ये बाकायदा कॉस्ट देखे रखे हैं ठीक है एक्स डिविडेंड ट्वेंटी है समझेंगे क्या है एक्स डिविडेंड मतलब डिविडेंड हटा के ठीक है हो सकता है ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो अभी हम समझेंगे लिस्टेड शेयर देखे रखा है कैश इन हैंड है तो एक तो हमारा शेयर्स का बैलेंस हो गया और एक हमारा कैश का बैलेंस हो गया ठीक है तो कैश इन हैंड दे रखा है शेयर के साथ साथ बॉन्ड तो ठीक है हमको बॉन्ड भी एट कॉस्ट देके रखा है फिर ऑफ दिस ठीक है बॉन्ड एंड डिवेंचर एट कॉस्ट ऑफ दिस बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड कोटेड बॉन्ड जो है वो लिस्टेड नहीं है एंड कोटेड है ठीक है ऑफ दिस नॉट लिस्टेड एंड कोटेड तो ऑफ दिस बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड कोटेड ठीक है कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज है वो भी कॉस्ट पे सभी कॉस्ट पे आ गया डिविडेंड है डिविडेंड अभी रिसीव विसीव नहीं हुआ है तो कैश बैंक बैलेंस में ऐड होने के चांसेस नहीं है अभी ठीक है अभी शांति डिविडेंड एक है डिविडेंड एक हो चुका है एंड देन अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स कुछ शेयर पे अमाउंट पेबल है तो वो एक लाइविलिटी हो गई एक्सपेंडिचर एक्रूवड है वो पॉइंट एक लाइबिलिटी हो गई वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स देख रखा है राइट तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स देख रखा है दस रुपए की फेस वैल्यू है दो लाख चालीस हज़ार है ऑल द लिस्टेड ऑल द लिस्टेड शेयर जो हम बात कर चुके थे ऊपर ये जो लिस्टेड शेयर की बात है ठीक है वर परचेज एट अ टाइम देन इंडेक्स वॉस बारह सौ वो तो तब परचेज करे थे जब इंडेक्स बारह सौ था मतलब तो ये जो बीस लाख की वैल्यू है ना बीस लाख की वैल्यू तब थी जब इंडेक्स बारह सौ था ठीक है ऑन एनी डेट इंडेक्स ऑफ रूलिंग इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी अब वो हो गया है ट्वेंटी वन ट्वेंटी तो बीस लाख डिवाइड बाय बारह सौ इंटू ट्वेंटी वन ट्वेंटी कर दोगे तो थर्टी फाइव पॉइंट थ्री थ्री आ जाएगा तो देखो थर्टी फाइव पॉइंट थ्री जी जिसकी वैल्यू आ गई है इंडेक्सिंग तो पूरी कर दिए ठीक है थीके? चलो ये हो गया लिस्टेड लिस्टेड शेयर से रिस्पेक्ट में बॉन्ड एंड डिन्चर कैरी अ मार्केट वैल्यू पाँच लाख ऑन एनी डेट तो जो बॉन्ड एंड डिवेंचर थे जिनकी कॉस्ट थी फोर पॉइंट थ्री ऑफ दिस बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड कोटेड उसमें से ठीक है ये जब टोटल तो तो बॉन्ड एंड डिवेंचर थे उसमें से एक लाख ,00 के बॉन्ड तो लिस्टेड नहीं थे थ्री पॉइंट थ्री के तो लिस्टेड थे ये थ्री पॉइंट थ्री को किस में कन्वर्ट किया पाँच लाख में ये पाँच लाख में कन्वर्ट हो गए ठीक है ये पाँच लाख हो गई बाकी एक लाख तो नॉट लिस्टेड वो तो है ही तो हमारा कैश इन हैंड तो ऐसा का वैसा ही है बॉन्ड एंड डिवेंचर की बात करें तो हमने बॉन्ड एंड डिवेंचर को फाइव लाख हो गया और बॉन्ड नॉट लिस्टेड वो वन लाख हो गया तो इस तरीके से हमारा इक्विटी शेयर भी आ गया कैश इन हैंड भी आ गया बॉन्ड डिवेंचर नॉट लिस्टेड इसकी तो वैल्यू देख ही रखी थी वही बुक वैल्यू और बॉन्ड एंड डिवेंचर लिस्टेड है उसकी पाँच लाख हो गई ठीक है और कुछ बोल के रखा है क्या करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की करंट रियलाइजेबल वैल्यू एक सौ छः पॉइंट फाइव ज़ीरो दे के रखी है तो फिक्स्ड इंटेड सिक्योरिटी सो की फेस वैल्यू है वन सेकेंड ओके तो ऑल द लिस्टेड शेयर परचेज ठीक है तो हमने कर लिया बॉन्ड डिवेंचर की, की बात करिए फिक्सड इनकम सिक्योरिटीज़ की बात करें सौ की फेस वैल्यू के वो वैल्यू है एक मतलब वन परसेंट तो जो फिक्स सिक्योरिटीज़ है फोर पॉइंट फाइव जीरो वो फोर पॉइंट फाइव इंटू वन जीरो सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट अगर हमने किया तो फोर पॉइंट सेवन नाइन टू फाइव तो इस तरीके से जो है डिविडेंड एक्रूड भी था हमने डिविडेंड एक्रूड भी करा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ भी हमने ले लिया ठीक है डिविडेंड एक भी हमारे पास आ गया अब अमाउंट पेबल ऑन शेयर सिक्स है अमाउंट पेबल पॉइंट अपाउन शेयर से वो तो ठीक है उसमें तो कोई मार्केट वैल्यू उसको करने की जरूरत नहीं है सी लिस्टेड डिडेंट लिस्टेड शेयर तो वैसे भी एक्स डिविडेंड है तो हमको अलग से डिविडेंड एक्रूड भी लेना पड़ा ठीक है अमाउंट पेबल ऑन एक्सपेंडिचर अमाउंट पेबल भी हमने माइनस करा एक्सपेंडिचर एक्रूड पॉइंट एक है तो जो एक्सपेंडिचर एक्रूड है वो पॉइंट सेवन फाइव है तो हमने एक्सपेंडिचर एक्रूड माइनस किया अमाउंट पेबल ऑन शेयर वो भी माइनस किया ठीक है अमाउंट पेबल ऑन शेयर सिक्स पॉइंट थ्री टू है इसको इंडेक्स मत कर देना ठीक है इसको इंडेक्स मत कर देना बाकी ठीक है वो दोनों माइनस करने के बाद हमारा पहले हमने इनको टोटल किया क्योंकि हमने सारी चीज़ों को तो ले लिया गया है तो फोर्टी एट पॉइंट वन फाइव टू फाइव आया माइनस हमने अमाउंट पेबल पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री टू माइनस किया साथ ही साथ हमने पॉइंट सेवन फाइव फोर माइनस किया तो हमारे पास फोर्टी वन पॉइंट जीरो एट टू फाइव आया फोर्टी वन पॉइंट जीरो एट टू फाइव फोर्टी वन पॉइंट जीरो एट टू फाइव डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करा और नंबर ऑफ यूनिट है टू पॉइंट फोर लैखी वन पॉइंट जीरो डिवाइड बाई ट फोर लैक तो इस तरीके सेन वन सेवन मतलब सेवनटीन पॉइंट वन टू आया और इस तरीके से हमारी जो है नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट हुई सेवनटीन पॉइंट वन टू और हमारा क्वेश्चन हो गया कुछ इतना खास ये क्वेश्चन नहीं था फिर भी एक चीज़ है जो इंकॉपरेट करने के लिए है जो जो है अमाउंट पेबल ऑन शेयर उसकी इंडेक्सिंग नहीं करनी है तो इसको सिस्टमेटिकली इसको डिफाइन कर इसको नोट डाउन कर लेते हैं तो ठीक है इसको भी हमने जो है नोट डाउन कर लिया है किस तरीके से नोट डाउन किया लिस्टेड शेयर का हमने लिख दिया अमाउंट ठीक है और जो एडजस्टमेंट है लिस्टेड शेयर के रिस्पेक्ट में हमने वो लिस्टेड शेयर का एडजस्टमेंट लिख दिया और अमाउंट पेबल ऑन शेयर भी लिख दिया उसका सॉल्यूशन क्या निकला है कि इंडेक्स दी परचेज डिविडेंड बट नॉट दी अमाउंट पेबल ऑन शेयर परचेज जो परचेज वैल्यू है उसको इंडेक्स करेंगे और जो अमाउंट पेबल ऑन शेयर है उसको इंडेक्स नहीं करेंगे साथ ही साथ हम यह भी लिख देते हैं कि एड द डिविडेंड एक्रूड सेपरेटली सिंस ये एक्स डिविडेंड है तो हमको सेपरेटली एड भी करना पड़ेगा डिविडेंड उस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन और हुआ ठीक है ना ये छोटी छोटी चीजें हैं हमको नोट डाउन करनी पड़ती है चलो इसको काटो ठीक है छोटा सा भी डाउट हो उसको नोट डाउन कर लो चलो इतना कुछ खास था नहीं रिलेवेंट था नहीं इसको काटो अगला क्वेश्चन अ म्यूचुअल फंड दैट हैड अ नेट एसेट वैल्यू तो म्यूचुअल फंड है जिसकी एनएवी देके रखी है रखी दस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मेड इनकम एंड कैपिटल गेंद डिस्ट्रीब्यूशन ओके एन ए बी दे रखी है एट एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ इनकम और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है ओके ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐड तो होगा नहीं एन ए वी के अंदर ठीक है तो पॉइंट फाइव और पॉइंट जीरो फोर हो गया रिस्पेक्टिवली डरिंग द मंथ एंड देन एंड एट द मंथ एन ए वी हो गया टेन पॉइंट जीरो थ्री और हमने पढ़ा था कि रिटर्न के सिर्फ तीन कंपोनेंट होते हैं ठीक है इधर हमने पढ़ा था कि चेंज इन एन ए वी ठीक है डिविडेंड और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया तो चेंज इन लेने भी अपना पॉइंट जीरो थ्री हो गया पॉइंट जीरो थ्री के साथ साथ पॉइंट जीरो थ्री प्लस पॉइंट जीरो फोर प्लस पॉइंट जीरो फाइव और इस तरीके से हमारा जो है पॉइंट वन टू अब ये पॉइंट वन टू है हमारा इनकम सी रिटर्न को जो है हमने इधर भी ये भी लिखा है कि रिटर्न को जो है वैल्यू में भी निकालना है परसेंटेज में भी निकालना है तो हमने रिटर्न बकायदा हमने इसको वैल्यू में तो निकाले निकाला साथ ही साथ हमको परसेंटेज में निकालना है अब वो जो परसेंटेज आएगा वो होल्डिंग पीरियड यील्ड आएगा ठीक है तो पॉइंट वन टू जो हम करेंगे टेन इंटू हंड्रेड यह आएगा अपना होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब कि ये एच पी वाई आएगा मंथली रिटर्न आएगा तो परसेंटेज जो है वो होल्डिंग पीरियड ईल्ड है बाई डिफॉल्ट ठीक है और वैसे भी क्वेश्चन में कैलकुलेट द मंथली रिटर्न ही बोला था हमने निकाल लिया ठीक है ये काटो कुछ तो भी है चलो इला सेशन थ्री द म्यूचुअल फंड ओपनिंग एन ए ट्वेंटी क्लोजिंग एन एवी ट्वेंटी फोर इफ द एक्सपेंसिस पर यूनिट पॉइंट फाइव जीरो वॉट इज़ द एक्सपेंस रेशियो अब ये क्या बोल दिया एक्सपेंस रेशियो निकालने का तो ठीक है ट्वेंटी और ट्वेंटी फोर जो चेंज है वो तो चार का है ठीक है और एक्सपेंस पर यूनिट पॉइंट फाइव जीरो है अब ये चीज़ तो हमारे नोट्स में भी कवर नहीं है चलो ठीक है एक्सपेंस पर यूनिट है पॉइंट फाइव जीरो अब इसका जो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर इंकट पर यूनिट डिवाइड बाई एवरेज एन ए वी वो इस तरीके से हमारा एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होगा अब इसको भी हम लिख लेते हैं सेपरेटली तो नया जो कंसेप्ट है एक्सपेंस रेशो का हमने वो भी लिख लिया कि एक्सपेंडिचर इनकट पर यूनिट डिवाइड बाय एवरेज यानी भी उसको इधर हमने कंप्यूट कर लिया चलो ये हटाओ इला सेशन नंबर फोर चलो इला से नंबर फोर कैलकुलेट करते हैं अब डिटरमाइन करना है एनुअल रेट ऑफ अर्निंग ठीक है देखते हैं क्या है क्वेश्चन में क्या, क्या बोल के रखा है म्यूचुअल फ़ंड ने रेस किए डेढ़ लाख एक अप्रैल को सीट टाइम तो बना के रखना एक अप्रैल को डेढ़ लाख जो है म्यूचुअल फ़ंड ने रेस करें ठीक है अब सी ये जो क्वेश्चन चलेंगे प्रैक्टिस वाले रहेंगे तो बहुत धीरे धीरे चल धीरे भी चलेगा ठीक है मीडिया अपनी मीडियाओं का स्पीड पे रहेगा ऐसा नहीं कि मेरे को फटाफट इसको करवाना है क्वेश्चंस को ठीक है इसको सॉल्व कर करके कर चलेंगे आपको अगर जल्दी है तो इंटू टू तो तो आप कर लीजिएगा ठीक है अब म्यूचुअल फ़ंड ने रेज करे हैं डेढ़ लाख ऑन फर्स्ट अप्रैल ठीक है ये हो गया हमारा बाई इशू पंद्रह लाख यूनिट तो फिफ्टीन लाख यूनिट थे वो रेज करा इन्होंने तो फिफ्टीन लाख यूनिट है दस के भाव से उन्होंने रेज करा फंड ने इन्वेस्ट करा चलो अब बाई शो फिफ्टीन लैक यूनिट द फंड इन्वेस्टेड इन सेवरल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट द तो सेवरल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया तो बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ एक सौ चालीस लाख और एक सौ चालीस लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड करा अब इनिशियल एक्सपेंडिचर तो आठ लाख थे तो आठ लाख इनिशियल एक्सपेंडिचर थे वो माइनस किए द ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल अच्छा अप्रैल महीने की बात करें फंड ने सोल्ड कर दी सर्टन सिक्योरिटीज़ कॉस्टिंग टू फोर्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव लैख तो सी आपके सिक्योरिटी वाला बैलेंस तो चल रहा है साथ ही साथ कैश बैलेंस भी चलाते रहना आपका सेपरेट ड्राफ्ट में कि डेढ़ सौ लाख का आपका कैश में इनकमिंग हो गई ठीक है एक सौ चालीस लाख तो माइनस हो जाएंगे आठ भी माइनस हो जाएंगे ठीक है और फिर फोर्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव जो है हमारा सिक्योरिटी ऐड हो जाएगा क्योंकि सेल करके पैसा आया जा. तो जाएगा फॉर फोर्टी सेवन लैख ठीक है तो फोर्टी सेवन लैख हमारा हो जाएगा ऐड तो फोर्टी सेवन ऐड होगा फोर्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा उतने की तो सिक्योरिटी गई है फोर्टी सेवन लैक में आया वो परचेस सर्टन अदर सिक्योरिटी फोर्टी वन पॉइंट सिक्स लैक तो कैश में से जो बैलेंस अगर हम देखें तो कैश का बैलेंस तो फोटी फोर पॉइंट सेवन फाइव से नहीं 47.47 सेवन .47 पॉइंट सेवन से एड हो जाएगा और परचेस किया है फोर्टी वन पॉइंट सिक्स तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंस माइनस हो जाएगा ठीक है फ़ंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर है फॉर दी मंथ अमाउंट टू सिक्स लैख ठीक है तो उसमें से छः लाख जो है फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसिस है ऑफ ही फिफ्टी थाउजेंड इन अर तो माइनस क्या होगा माइनस होगा सिर्फ फाइव पॉइंट फाइव लैख और जो पचास हज़ार है इन अर वो अभी भी लाइबिलिटी है ठीक है तो वो असेट में से जो लाइबिलिटी है सेपरेटली वो पचास हजार उधर माइनस होगा ठीक है डिविडेंड अर्न एन अर्नड वॉज वन पॉइंट फाइव लैख और एट्टी परसेंट ऑफ रियलाइज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड यूड एन अर्न टन पॉइंट फाइव एड हुआ और जो रियलाइज अर्निंग थी उसमें सेटी परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए मतलब कि माइनस हो गया वन पॉइंट टू मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो की वो वन फोर्टी सेवन पॉइंट एटी फाइव लैके मार्केट वैल्यू तो साफ ही साफ दे के रखी है वन फोटी सेवन पॉइंट एट फाइव ठीक है तो सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू दे के रखी है वन फोर्टी सेवन पॉइंट एट फाइव तो जब मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दे के रखा है तो हमको सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस निकालना है और कैश और बैंक बैलेंस में भी हमने देख लिया है कि डेढ़ सौ में से हमने एक सौ चालीस माइनस करे हमने जो है एक सौ चालीस माइनस करे साथ ही साथ हमने आठ लाख माइनस करे फिर फंड को सोल्ड करा फोर्टी फोर फोर्टी सेवन लैख में तो पैसे उसके आए वो ऐड करा फोर्टी सेवन में अगर हमने सोल्ड किया तो फोर्टी सेवन ऐड करा फोर्टी वन पॉइंट सिक्स ने परचेज़ किया ठीक है दूसरे फ़ंड तो हमने वो माइनस करे फंड मैनेजमेंट एक्सेस में हमने फाइव पॉइंट फाइव माइनस किया क्योंकि पचास हज़ार हमको लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में माइनस करना था डिविडेंड अर्न किया था वन पॉइंट फाइव उसको ऐड करा उसमें से एट्टी परसेंट माइनस कर दिया और मार्केट वैल्यू हमको दे के रखा है ठीक है अब हम निकालते हैं हर बार की हर बार की तरह इस बार भी यही गलती हुई क्या गलती हुई कि हमने सब कुछ सही कैलकुलेट किया था ठीक है हमने हमने बैंक निकाला 150 में से 140 माइनस करे 8 माइनस करा तो इस तरीके से हमारा बैंक निकल गया हमने सिक्योरिटी सेल करी थी 47 में तो वो 47 हमने ऐड किया डिविडेंड हमको रिसीव हुआ था डेढ़ लाख का वो डेढ़ लाख का डिविडेंड भी बकाया हमने ऐड किया उसमें से एटी गया तो एट्टी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस किया फ़ंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में से पचास हजार अभी हमने रोक के रखा है सिक्योरिटीज़ हमने परचेज करी थी फोर्टी वन पॉइंट सिक्स में हमने वो सब भी ऐड करा फोर्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव का कोई ट्रीटमेंट नहीं है अब सी क्या बोला था बोला ये था एटी परसेंट ऑफ रियलाइज अर्निंग वो डिस्ट्रीब्यूटेड एटी परसेंट ऑफ रियलाइज अर्निंग व डिस्ट्रीब्यूटेड बोल के रखा है ये नहीं बोल के रखा है कि सिर्फ डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट होगा अब रियलाइज अर्निंग बोला है तो उसमें डिविडेंट के साथ कैपिटल गेन भी आ जाएगा और कैपिटल गेन कितना है कैपिटल गेन है फोर्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव को हमने फोर्टी सेवन में भेजा है फोर्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव को माइनस फोर्टी सेवन टू पॉइंट टू फाइव का कैपिटल गेन है टू पॉइंट टू फाइव का कैपिटल गेन है और जिसका इफेक्ट तो पहले ही चले गया किस तरीके से गया फोर्टी सेवन और माइनस फोर्टी वन पॉइंट सिक्स ज़ीरो कैश इफेक्ट आ गया ये कैश का इफेक्ट आ गया साथ ही साथ अब कैपिटल इसमें कैपिटल गेन का इफेक्ट भी शामिल है ठीक है अब फोर्टी सेवन माइनस फोर्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव ये जो है टू पॉइंट टू फाइव इसका एट्टी परसेंट भी तो माइनस होगा वन पॉइंट एट इसको वन पॉइंट एट परसेंट ये भी माइनस करना पड़ेगा इसलिए टू पॉइंट टू में से वो 80 परसेंट माइनस करो पॉइंट फोर जीरो आ जाएगा क्लोजिंग मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो की देखे रखी है और पचास हज़ार जो हमको आखिरी में माइनस करना था एरियर्स ऑफ एक्सपेंडिचर वो भी हमको माइनस करना है इस तरीके से हमारा क्लोजिंग नेट आ जाएगा क्लोजिंग नेट ऑफ हमारा वन फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव आया डिवाइड वन फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव को जो है हम किससे डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ़ यूनिट से ड्यूरिंग द ईयर कोई सी भी नई यूनिट इशू नहीं करी गई है ठीक है तो डिवाइड बाय फिफ्टीन लाख हो जाएगा और इस तरीके से हमारा क्लोजिंग एन आ जाएगा जो हमको निकालने की थी ठीक है अब क्या लिखा हुआ है कि द इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू वन यूनिट ऑन एक अप्रैल एंड डिस्पोज ऑफ एट क्लोजिंग एन ऑन तीस अप्रैल ठीक है डिटर्माइन हिज एनुअल डेट ऑफ अर्निंग अब देखो क्लोजिंग एन हमको निकालनी है क्लोजिंग एन हमारी आई है नाइन पॉइंट एट फाइव हमारी ओपनिंग एन कितनी थी अब ओपनिंग एन तो ऐसा कुछ दे के नहीं रखा है पर ओपनिंग हमको ये देखकर रखा है कि फेस वैल्यू जो है टेन थी तो उसको ही हमने एन माना टेन माइनस नाइन पॉइंट एट फाइव ठीक है टेन माइनस नाइन पॉइंट एट फाइव तो जो है हमारा पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन फाइव तो हमारा जो है वो माइनस में हो गया पॉइंट वन फाइव हमारा माइनस में हो गया साथ ही साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये ये ऐड करना पड़ेगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन तो इनकम और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ये कितना देंगे तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन वन पॉइंट एट हो गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वन पॉइंट टू हो गया ठीक है अब देखो एन ए वी की बात करें तो टेन पर यूनिट है और नाइन पॉइंट एट फाइव पर यूनिट है पर ये पर यूनिट नहीं है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वन पॉइंट एट प्लस वन पॉइंट टू डिवाइड बाय पंद्रह करना पड़ेगा वो आएगा पॉइंट टू जीरो तो पॉइंट वन फाइव नेगेटिव में पॉइंट टू जीरो पॉजिटिव में तो नेट अर्निंग आ गई पॉइंट जीरो फाइव अभी जो पॉइंट जीरो फाइव है ये पॉइंट जीरो फाइव डिवाइड बाय टेन होगा क्योंकि ओपनिंग एन ए तो यही है और इन टू हंड्रेड करेंगे तो पॉइंट फाइव परसेंट आएगा अभी तो पॉइंट फाइव परसेंट है ये मंथली है क्योंकि हम अप्रैल का कैलकुलेट करें हमको तो एनुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालना है तो इंटू ट्वेल्व करेंगे तो ये छः परसेंट एनुअल रेट ऑफ अर्निंग होगा और एक चीज़ और जो है वो ध्यान रखने की है कि ये जो लेस करा है देन हमने जो इन्वेस्टमेंट करा है तो रेस करके इन्वेस्टमेंट करा है जो इनिशियल एक्सपेंडिचर लगे हैं इन सब को नेट ऑफ करके जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम ओपनिंग बैंक ठीक है वो होता है हमारा ओपनिंग बैंक बैलेंस तो सेपरेट शो करने की जगह हम उसको ओपनिंग बैंक बैलेंस जैसे शो करें तो ये जो पर्टिकुलर कुछ पॉइंट है ये दो पॉइंट हम इसको लिख लेते हैं अब हमने क्या किया है कि पर्टिकुलर ये एस्ट्रैक्ट में से जो इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो उसको कॉपी पेस्ट कर दिया इधर और कैलकुलेट क्या करना है सिर्फ हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है ओपनिंग बैंक बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ़ अर्निंग क्योंकि हमको इंग्नोर में दिक्कत हुई तो ओपनिंग बैंक बैलेंस का कैलकुलेशन कैसे होगा 150 में से वही बात आती है 150 में से जो है हमने 140 पोर्टफोलियो बिल्ड करा था वो माइनस करो और इनिशियल एक्सपेंसेस 8 लाख माइनस करो तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा हमारा 2 लाख तो यही हमने करा 150 लाख में से 140 माइनस करो 8 लाख माइनस कर दो लाख आया अब एडजस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स अर्निंग का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे तो ये कर रखा है एट्टी परसेंट ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग वॉर डिस्ट्रीब्यूटेड तो अर्निंग में हमने डिविडेंड के लिए जो तो ये ट्रीटमेंट दे दिया कि हमने वन पॉइंट फाइव ऐड करके उसमें से एटी परसेंट माइनस करा और कैपिटल गेन के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे और कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में ये ट्रीटमेंट करा कि जो फोर्टी सेवन है फोर्टी सेवन में हमने बेचा था फोर्टी वन पॉइंट सिक्स में हमने ख़रीदा तो उसके अंदर जो है इफ़ेक्ट आ गया था कैपिटल गेन का भी और जो भी अर्निंग्स का था ये अर्निंग्स है ठीक है उसमें से जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन का हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा ठीक है वो कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा कैपिटल गेन नहीं है कैपिटल गेन तो क्या होगा हमारा हमारा कैपिटल गेन क्या होगा कि फोर्टी सेवन में हमने बेचा था और फोर्टी वन पॉइंट सिक्स में हमने नए सिक्योरिटीज़ खरीदे तो ये तो कैश का बैलेंस हो गया कैपिटल गेन क्या होता है कि फोर्टी सेवन में हमने बेचा और जो बेचा था उसकी असली कीमत फोर्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव थी ठीक है तो ये हमारा कैपिटल गेन होता है ये हमने देखा तो इधर हमने अर्न किया और इधर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस तरीके से कैपिटल गेन का भी ट्रीटमेंट हुआ ठीक है तो इस तरीके से हमारा जो है ये पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट भी हम इस तरीके की चीज़ें हम समझे और हमारा जो कैलकुलेशन हुआ और रिटर्न तो हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न ही आता है इसको हमने एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट किया चलिए स्टेशन फोर ओवर हुआ अब लजस्टेशन फाइव पढ़ते हैं क्या बोला है अब म्यूचुअल फंड जिसकी एन ए वी है रुपीज़ ट्वेंटी एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ मेड इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव एंड पॉइंट जीरो थ्री तो बीस रुपए की एन ए वी थी ठीक है फिर ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो सिक्स हो गई इसकी एन ए वी तो एन ए वी पर यूनिट ही होगी ऐसा मानते हुए तो पॉइंट जीरो सिक्स पर यूनिट एन ए वी है पॉइंट ज़ीरो सिक्स प्लस पॉइंट ज़ीरो थ्री सेवन फाइव प्लस पॉइंट ज़ीरो थ्री पॉइंट जीरो सिक्स प्लस पॉइंट जीरो थ्री प्लस पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव ये पॉइंट वन टू सेवन फाइव है डिवाइड बाई ट्वेंटी करो इंटू हंड्रेड करा पॉइंट सिक्स थ्री सेवन फाइव है और ये पॉइंट सिक्स थ्री सेवन फाइव हमारा जो है रिटर्न आ जाएगा वो पर मंथ आ जाएगा जिसको 12 से इंटू करेंगे ये सेवन पॉइंट सिक्स फाइव हमारा पर एन एम का रिटर्न आ जाएगा ठीक है इतना कुछ खास नहीं था अब हम जो है इलाज नंबर सिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है इलासन नंबर सिक्स मिस्टर एक्स एन इन्वेस्टर जिसने परचेस किए टू हंड्रेड यूनिट एक्स एन इन्वेस्टर एक्स एन इन्वेस्टर वन सेकेंड एक्स एन इन्वेस्टर जिसने परचेस करे टू हंड्रेड यूनिट ऑफ ए बी सी म्यूचुअल फंड क्या परचेस करे दो सौ यूनिट ऑफ ए बी सी म्यूचुअल फंड एट द रेट एट पॉइंट फाइव जीरो पर यूनिट ठीक है तो यूनिट की बात आ गई दो सौ यूनिट इन टू एट पॉइंट फाइव वन ईयर हो ओवर द ईयर एक्स ने रिसीव करा पॉइंट नाइन जीरो एज डिविडेंड एंड रिसीव यूनिट तो ओपनिंग एन ए लिख दी और डिविडेंड और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट सेवन फाइव और पॉइंट नाइन जीरो था तो ये तो है रिटर्न के तीन कंपोनेंट होते हैं हमको क्लोजिंग एन ए अगर पता चल जाए तो हमको तीन कंपोनेंट रिटर्न के पता चल जाएंगे और देखो सी तो वही है कि हमको पता चला कि एक्स का एक्स का हमको फाइंड आउट करना है एक्स का होल्डिंग पीरियड रिटर्न एज्यूमिंग दैट दैट दिस नो लोड फंड जिसमें कोई लोड है ही नहीं ना फ्रंट एंड और बैक एंड लोड नहीं है और एन ए वी नाइन पॉइंट वन जीरो है एज ऑन टू तो देखो एट पॉइंट फाइव जीरो और नाइन पॉइंट वन जीरो तो क्या है नाइन पॉइंट वन जीरो माइनस एट पॉइंट फाइव जीरो ये हो गया हमारा पॉइंट सिक्स साथ ही साथ हमारा जो रिटर्न है पॉइंट सिक्स के साथ प्लस पॉइंट नाइन जीरो जो डिविडेंड है प्लस पॉइंट सेवन फाइव टू पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट टू फाइव रिटर्न है हमारा और जो वैल्यू है तो मंथली रिटर्न तो आएगा ट्वेंटी रिटर्न ही होगा ना वन ईयर आगे सॉरी ये इयरली रिटर्न होगा ट्वेंटी तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो ये ट्वेंटी होगा ठीक है होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी एनुअल रिटर्न दोनों सेम है एक साल की होल्डिंग होगी अब मिस्टर एक्स होल्डिंग प्रेड रिटर्न एज्यूम करना एज्यूम करना सारे डिविडेंड और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन वो री इन्वेस्ट हुए हैं एडिशनल यूनिट में एट एन एवरेज प्राइस ऑफ एट पॉइंट सेवन फाइव इन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट कितना किस में किस में किया इन्होंने एट पॉइंट सेवन फाइव में किया अब एट पॉइंट सेवन फाइव इसमें कैसे निकला इन्होंने बोला एवरेज प्राइस तो देखते हैं एट पॉइंट फाइव प्लस नाइन पॉइंट वन डिवाइड बाई टू एट पॉइंट एट आ रहा है पर ठीक है इन्होंने एवरेज प्राइस निकाला है एट पॉइंट सेवन फाइव और इस पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा तो अब देखो ओपनिंग एन हमारी कितनी थी ओपनिंग एन थी हमारी एट ठीक है प्लस एट के साथ अब हमारा जो है क्लोजिंग एन है नाइन पॉइंट वन जीरो अब इनकम और डिविडेंड तो आखिरी में ही कैलकुलेट हुआ पर जो भी हुआ इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितने में किया एट पॉइंट सेवन फाइव पे पहले देखो कि डिविडेंड की वैल्यू और कैपिटल गेन की वैल्यू कितनी है सी एक यूनिट पर पॉइंट नाइन जीरो का डिविडेंट है तो वैल्यू कितनी होगी पॉइंट नाइन ज़ीरो इंटू दो सौ ये होगी एक सौ अस्सी इसकी वैल्यू डिविडेंट की कैपिटल गेन पॉइंट सेवन फाइव है तो पॉइंट सेवन फाइव इंटू दो सौ तो पॉइंट सेवन फाइव इंटू दो सौ ये है एक सौ पचास की वैल्यू तो एक सौ अस्सी प्लस एक सौ पचास की वैल्यू तो हो गई वो तीन सौ तीस की वैल्यू ये तीन सौ तीस की वैल्यू थी ठीक है और डिविडेंड ऑन कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन को री इन्वेस्ट किया तीन सौ तीस को कितने पे री इन्वेस्ट किया तीन सौ तीस को री इन्वेस्टमेंट किया डिवाइड बाई एट पॉइंट सेवन फाइव पे तो आया हमारा थर्टी सेवन पॉइंट सेवन वन ये थर्टी सेवन पॉइंट सेवन वन हमारे नए यूनिट्स है ठीक है तो हमारे पुराने यूनिट कितने थे हमारे पुराने यूनिट थे दो सौ हमारे ठीक है और पुरानी वैल्यू कितनी थी एट पॉइंट फाइव तो दो सौ को हमने मल्टीप्लाई किया एट पॉइंट फाइव से नई यूनिट कितनी है टू हंड्रेड प्लस या हम बोल सकते हैं इसको डेसीमल में ले सकते हैं इधर यूनिट डेसिमल में आ सकते हैं तो टू थर्टी सेवन पॉइंट सेवन वन अब पॉइंट ये है कि इधर हम एन क्या लेंगे हम एन तो इधर यही लेंगे नाइन पॉइंट वन हमको एन तो नाइन पॉइंट वन ही लेने पड़ेगी ठीक है एन हम नाइन पॉइंट वन लेंगे तो टू थर्टी सेवन पॉइंट सेवन वन इन टू नाइन पॉइंट वन ये हमारा वैल्यू आया टू वन सिक्स थ्री पॉइंट वन सिक्स वन और जो ओपनिंग एन है वो टू हंड्रेड इंटू एट पॉइंट फाइव आया जो था हमारा सत्रह सौ तो टू वन सिक्स थ्री पॉइंट वन सिक्स वन माइनस सत्रह सौ ये आया हमारा फोर सिक्सटी थ्री पॉइंट वन सिक्स वन इस तरीके से फोर सिक्सटी थ्री पॉइंट वन सिक्स वन ये फोर सिक्सटी थ्री जो है हमारा एक तरीके से हुआ है हमारा रिटर्न ठीक है ये हमारा रिटर्न कैलकुलेशन है ठीक है अब ये जो फोर सिक्सटी थ्री है ये डिवाइड बाई 1700 सौ करोगे क्योंकि तो हमको वैल्यू के साथ साथ परसेंटेज में भी निकालना है तो इस तरीके से ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू फोर परसेंट हमारा आ जाएगा ठीक है और ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू फोर परसेंट हमारा जो है रिटर्न का कैलकुलेशन आ जाएगा अगर डिविडेंड और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन री इन्वेस्टमेंट है तो क्योंकि जब डिविडेंड और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ये जब हम री इन्वेस्ट करते हैं तो फिर रिटर्न के कंपोनेंट में सिर्फ चेंज इन एन ए ही आता है क्योंकि अगर हम डिविडेंड रिटर्न के कंपोनेंट देखें तो उसमें चेंज इन एन ए वी और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले री हो गए हैं तो ये जो है कैपिटल गेन ये सिर्फ एन का पार्ट हो जाएंगे और इस तरीके से चेंज इन एन ही आएगा ठीक है हमारे रिटर्न के पोर्शन में ओके एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड ऑफ म्यूचुअल फंड तो ये क्वेश्चन भी काटो इतना कुछ खास नहीं था ये क्वेश्चन बस इन्होंने ये है कि आंसर में डेसिमल का इसलिए चेंज आया होगा क्योंकि इन्होंने थर्टी सेवन वन डेसीमल में इन्होंने यूनिट को ख़त्म कर दिया ठीक है इतना कुछ खास नहीं था एंटी लोड एंड एग्जिट लोड की बात करें तो देखो एंट्री लोड मतलब फ्रंट एंड लोड होगा और एग्जिट लोड मतलब बैक एंड लोड होगा समझते हैं चलो इलास्ट्रेशन नंबर इलास्ट्रेशन नंबर सेवन ठीक है चलो ओके ओकेशन नंबर सेवन ओके अब क्या बोला है कि मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स ने अर्न करा टेन परसेंट ऑन इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीशन मिस्टर एक्स ने क्या किया अन गैर टेन परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ही हीज कंसीडर ही इज अ रीसेंटली फ्लोटेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड इनिशियल एक्सपेंडिचर सिक्स परसेंट है तो इनिशियल एक्सपेंडिचर सिक्स और जो है इधर टेन परसेंट इन्वेस्टमेंट ठीक है इक्विटी शेयर ठीक है इनिशियल एक्सपेंडिचर सिक्स परसेंट है रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो एनुअल है वो है हमारा दो परसेंट हाउ मच म्यूचुअल फंड स्कीम अब स्कीम को कितना कमाना चाहिए टू प्रोवाइड अ रिटर्न ऑफ टेन परसेंट ताकि वो जो टेन परसेंट पहले कमाते थे उतना ही अभी भी कमाए तो बेयर मिनिमम म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न होना चाहिए तो अपने म्यूचुअल फंड की अर्निंग पड़ी थी तो म्यूचुअल फंड की कितनी अर्निंग होनी चाहिए तो उसमें हमने क्या पढ़ा था अल्टरनेटिव अर्निंग या अपॉर्चुनिटी कॉफ जो हमारा टेन परसेंट है ठीक है तो पॉइंट वन ज़ीरो ठीक है तो पॉइंट वन जीरो डिवाइड बाय वन प्लस हमें वन प्लस इनिशियल एक्सपेंडिचर लेंगे जो है वन प्लस पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है उसमें प्लस करेंगे पॉइंट जीरो टू हमारे एनुअल रिकरिंग एक्सपेंडिचर ठीक है तो यही है कि वन डिवाइड बाय तो वन डिवाइड बाई वन माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर ठीक है तो मतलब वही म्यूचुअल फंड की अर्निंग जो थी आर वन म्यूचुअल फंड की अर्निंग टेन परसेंट है मतलब पॉइंट वन डिवाइड बाय वन माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर प्लस रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो ये जो हमारा कैलकुलेशन आया है पॉइंट वन जीरो बाई वन पॉइंट जीरो सिक्स ओके इसमें पॉइंट जीरो टू हमने ऐड करके इंटू हंड्रेड किया इलेवन पॉइंट फोर थ्री परसेंट ये तो इलेवन पॉइंट फोर थ्री परसेंट आ रहा है लेट लेट्री चेक इसको ठीक करते हैं ओके वन सेकेंड ये वन माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर है वन प्लस इनिशियल एक्सपेंडिचर नहीं है माइनस इनिशियल एक्सपेंडिचर है ठीक वन माइनस इनिशियल एक्सफेल इस तरीके से ट्वेल्व पॉइंट सिक्स फोर हमारा जो है आंसर आएगा ठीक है इतना कुछ खास नहीं था ये भी हमारा हो गया ओके okay, बाकी क्राइटेरिया ऑफ एवेलिंग द परफॉर्मेंस जिसमें शार्प रेशियो शार्प रेशियो क्या है शार्प रेशियो अपन ने पढ़ा था रिटर्न रिटर्न मतलब प्रीमियम पर बीटा पर रिस्क पर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो फिर अपन ने पढ़ा था ट्रेनर रेशियो तो था प्रीमियम पर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ठीक है फिर जेंसन अल्फा और एक्सपोस्ट अल्फा तो जैनसन अल्फा था जैनसन अल्फा जिसमें पोर्टफोलियो के रिटर्न में से सिक्योरिटी मार्केट लाइन का रिटर्न हम माइनस करते थे सिक्योरिटी मार्केट रिटर्न वैसे कैलकुलेट करते थे जैसे पी ए सी ए पी एम और फार्माउस मेजर फार्माउस मेजर भी होगा एक्सपेंस रेशियो जो चलो ठीक है फार्माउस मेजर इसमें है नहीं बट ठीक है वो भी ऐसा था कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में से कैपिटल मार्केट लाइन का हमने माइनस किया ठीक है तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं ओके तो क्वेश्चन है लेट्स एज्यूम डेट वी लुक एट वन ईयर पीरियड ऑफ टाइम वेर एन इंडेक्स फंड अर्न इज इलेवन परसेंट तो जो इंडेक्स फंड अर्नड है ठीक है तो इंडेक्स फंड अर्ंड है वो इलेवन परसेंट है ठीक है ट्रेजरी बिल अंड छः परसेंट है स्टैंडर्ड डेवियशन ऑफ द इंडेक्स फंड वो डेविएशन है एस डी वो है हमारा ट्वेंटी परसेंट ठीक है अब क्या बोला है स्टैंडर्ड डेवियशन ऑफ इंडेक्स फंड और हमने पढ़ा था कि प्रीमियम पर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो ठीक है तो प्रीमियम कितना है ग्यारह में से छः माइनस करो तो पाँच और पाँच ठीक है वही जो है इधर ग्यारह में से छः माइनस के पास और डिवाइड बाय पॉइंट टू जीरो किया पाँच डिवाइड बाई पॉइंट टू ज़ीरो ट्वेंटी फाइव परसेंट जिसको थोड़ा अपडेट कर देते हैं कि फॉर्मूला में जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो होल फिगर में रहेगा नीचे वाला डेसिमल में रहेगा ठीक है तब ने यही करा कि आंसर परसेंटेज में आएगा ऊपर होल फिगर्स रहेगा परसेंट फिगर्सेंटर डेसीमल मेरेगा ठीक है इस तरीके से हमने देखा ठीक है शार्प रेशियो इज एन अप्रोप्रियट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ओवरऑल पोर्टफोलियो पर्टिकुलरली वैन इट इज कम्पेयर टू अनादर पोर्टफोलियो और अनादर इंडेक्स सच एज स्टैंडर्ड पुअर फाइव हंड्रेड ठीक है एग्जाम्पल कंसिडर टू फंड ए एन बी ठीक है तो दो फंड को कंसिडर करते हैं ए एन बी लेट रिटर्न ऑफ फंड ए थर्टी परसेंट है और फंड बी का ट्वेंटी फोर ट्वेंटी रिटर्न है ठीक है ये रिटर्न है थर्टी परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन द आउट इट अपीयर्स डेट फंड ए हैज़ परफॉर्म बेटर देन फंड बी तो ऑन द आउट ये तो लग रहा है कि फ़ंड ए ने तो परफॉर्म करा है बेटर फंड बी से क्योंकि रिटर्न के पॉइंट से तो बढ़िया ही लग रहा है लेट अस नाउ इनकॉपरेट द रिस्क रिस्क फैक्टर तो क्यों ना हम रिस्क फैक्टर इसमें इनकॉपरेट करते हैं एंड फाउंड आउट द शार्प रेशियो अब रिस्क है फंड ए का ग्यारह परसेंट और फंड बी का पाँच परसेंट है तो आप देख लेते हैं अब हम देख लेते हैं सबसे पहले सी थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लिया कि ये जो है इसको हम पूरे को फिगर्स में ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से वो ज़्यादा बेटर है ठीक है तो इधर भी देखें तो अब हम रिटर्न तो जो है थर्टी परसेंट है ए का उसका बी का ट्वेंटी फाइव परसेंट है अब एक बार हम रिस्क फ्री रिटर्न देख लेते हैं क्योंकि तो जो शार्प रेशियो है वो रिटर्न पर रिस्क नहीं देखता वो प्रीमियम पर रिस्क देखता है तो अब इसका अगर हम देखें तो रिस्क फ्री रेट है एट तो फंड ए में अगर हम प्रीमियम देखें तो थर्टी में से अगर हम एट माइनस करें ट्वेंटी टू और ट्वेंटी टू को किससे डिवाइड करेंगे ट्वेंटी टू को हम डिवाइड करेंगे ट्वेंटी टू को हम डिवाइड करेंगे रिस्क से और ट्वेंटी टू डिवाइड बाई 11 तो क्या आएगा टू ये जो टू है ये शार्प रेशो है बी में क्या होगा बी में क्या होगा थर्टी की जगह हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस एट डिवाइड बाई क्या करेंगे फाइव डिवाइड बाई फाइव करेंगे तो आया थ्री पॉइंट फोर अब शार्प रेशियो के हिसाब से तो बी बेटर है और सिर्फ रिटर्न रिटर्न देखें तो ए बेटर है तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि आप सिर्फ रिटर्न देख के चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते कर सकते हमको दोनों फैक्टर इनकॉपरेट करके देखना पड़ेगा कोई रिटर्न नहीं है ये प्रीमियम बोल कर रहा है रिटर्न प्रीमियम ठीक है ना रिटर्न नहीं देखना हमको ओके ये हो गया हमारा ट्रेनर रेशियो एक बार हम ट्रेनर रेशियो समझते हैं ठीक है तो शार्प रेशो की नॉर्मल एग्जाम्पल्स से इतना कुछ खास था नहीं ट्रेनर रेशो देख लेते हैं ट्रेनर रेशो में क्या बोला है इन द इस्ट्रेशन डिस्कस्ड अर्लियर बीटा ऑफ फंड क्योंकि वो बीटा ऑफ फंड से देखता है तो प्रीमियम पर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ठीक है तो वही है कि प्रीमियम फंड ए में तो थर्टी का रिटर्न था जिसमें आठ तो रिस्क फ्री था तो ट्वेंटी टू डिड बाय पॉइंट फाइव ये हो गया हमारा फोर्टीन पॉइंट सिक्स और बी में हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस एट ठीक है तो ये हो गया डिवाइड बाई वन पॉइंट वन ठीक है तो ये शार्प रेशो कैलकुलेट हो गया ठीक है शार्प रेशो नहीं ये ट्रेनर रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया हो गया हमारा चलो अब अब आती बात फिर आती बात हमारी जेंसन अल्फा की और जेंसन अल्फा में हमने पढ़ा था जिसको हम एक्सपोस्ट अल्फा भी बोलते हम में बोलते हैं जहाँ पे हम पोर्टफोलियो के रिटर्न में वैसे माइनस करते हैं रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन राइट तो पोर्टफोलियो के रिटर्न में से सिक्योरिटी मार्केट लाइन का रिटर्न हम माइनस करते हैं एज्यूम तो टू पोर्टफोलियो दो पोर्टफोलियो एज्यूम कर दिया जिसमें रिटर्न देख रखा है बीटा देकर रखा है बी का भी रिटर्न और बीटा दे के रखा है रिस्क फ्री रेट देख रखा है मार्केट रिटर्न देख रखा है ठीक है साथ ही साथ हमने तो मार्केट रिटर्न भी इसका दे के रखा है द रिटर्न अब समझो पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना है ठीक है और रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी कैलकुलेट करना है राइट तो हम पहले सिक्योरिटी मार्केट लाइन का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं ठीक है सी अब रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन में समझो इधर तो मार्केट रिटर्न दे के रखा है सिक्योरिटी मार्केट लाइन तो इसको हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन को हम बोल सकते हैं कि मार्केट रिटर्न की बात कर रहा है राइट तो सिंस तो तो मार्केट रिटर्न दे के रखा है हमको ट्वेल्व ठीक है ए पोर्टफोलियो है ए पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं इधर तो हम उसको सी ए पी एम ये सी ए पी एम का जो तरीका होता है ना वैसे हम पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं क्या दे के रखा है कि ट्वेल्व में से नाइन माइनस करो थ्री इंटू पॉइंट सेवन करो बीटा से मल्टीप्लाई करके और प्लस उसमें नाइन कर दो तो इलेवन पॉइंट वन हो गया अब इलेवन पॉइंट वन हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न हो गया मार्केट रिटर्न तो हमारा ट्वेल्व हो गया वन वन सेकेंड इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया थोड़ा सा चेंज इन द सेंस गलत बोलने में आ गया था मार्केट रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ठीक है तो वही है कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में से रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन ऐसा बोल दो या तो मार्केट रिटर्न में से हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस किया तो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया और मार्केट रिटर्न में से माइनस किया एंड बी वाले पॉइंट में भी यही था मार्केट रिटर्न तो वन दे के रखा है ठीक है और बी uh, का भी अपना हमको निकालना है एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मार्केट रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करना है वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है ठीक है तो यही था इतना कुछ खास नहीं था राइट right? और बाकी तो कुछ इसमें और नए क्वेश्चन ही नहीं मनी मार्केट फंड्स आ गए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ठीक है ओके तो so इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट सारा कर लिया है सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो इस तरीके से हमारे स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन और होते हैं अब हम जो है बाकायदा प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन करेंगे सी प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन करेंगे तो हमको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे हमने तो स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन काट दिए हमको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ठीक है ठीक है अब हम प्रैक्टिस मैनुअल के करेंगे और प्रैक्टिस मैनुअल के भी काटते जाएंगे क्योंकि एट एंड हमको पढ़ने हैं सिर्फ नोट्स ठीक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मार्कआउट कर लेंगे या हमको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रैक्ट हम निकाल सकते हैं तो बाकायदा वो एक्सट्रैक्ट भी जो है हम टेक इनटू कंसीडरेशन कर लेंगे वो इस तरीके से जो है हम हमारे नोट्स को बिल्ड कर लेंगे अच्छे तरीके से ओके तो हम मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में